हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सेफ एंड साउंड होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की वेट लॉस की जर्नी, कमेंट करिएगा। अच्छा, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे एक Q&A का जिक्र किया था। आप लोग के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेट लॉस, डाइट प्लान, पर्सनल या फिर कुछ भी पूछना है तो वहाँ पर आप जाके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ पूरे दिन का डाइट प्लान, जो कि आप लोग को काफ़ी पसंद है, मोटिवेट करता है और ये बहुत ही इजी सा डाइट प्लान है, एनीबडी कैन अफोर्ड इट। तो चलिए देख लेते हैं डाइट प्लान और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये डाइट प्लान और आप ये डाइट प्लान करके कैसा फील कर रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है। सुबह उठने के बाद बालकनी में जाके थोड़ी फ्रेश एयर लेना ज़रूरी है। और आज का जो वेदर था वो ऐसा था कि क्लाउड्स तो थे बट बारिश नहीं हो रही थी, तो मेरे लिए वॉक करने के लिए वे खुल गया था। तो बस अब हमारे मॉर्निंग जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद मॉर्निंग ड्रिंक्स बनाती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। हम लोग मॉर्निंग टी नहीं लेते, खाली पेट चाय कैफीन आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नींबू पानी और वेट लॉस वाला पाउडर यूज़ किया है। और आपको मैंने डिफरेंट 7 डेज़ का जो डाइट प्लान है उसमें डिफरेंट तरीके के वाटर्स डिटॉक्स ड्रिंक बनाने की रेसिपी शेयर करी है या बताया है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिटॉक्स ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं। देन मैंने अपने बेटे का लंच बनाया, उसे ड्रॉप किया बस स्टॉप तक, और उसके बाद में और मेरे हस्बैंड हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो 45 मिनट्स हमारे पास अच्छा टाइम था क्योंकि टिफ़िन लंच वगैरह बन चुके थे। आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, सारे काम आपके टाइम पे कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो बस हमने वॉक किया, घर आने के बाद मैंने ये सोख किए हुए एलमंड्स और मुनक्का थे तो उसे खाया, क्योंकि आने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका ब्रेकफास्ट बना हुआ है और आप तुरंत ब्रेकफास्ट करने बैठ जाए। अगर आपका ब्रेकफास्ट बना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बस अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ओट्स चीला। तो यहाँ पे मैं देखिए कितने सारे वेजिटेबल्स है वो सब मैंने चॉप कर लिए हैं, गाजर, टमाटर, स्प्रिंग अनियन, मशरूम, कैप्सिकम, धनिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली है। और अब हम बनाएंगे बैटर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ओट्स, तो ये रेगुलर ओट्स है, रोल्ड ओट्स हो तो आप एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। उसमें मैं 1 कप बेसन ऐड करूँगी, बेसन से बाइंडिंग अच्छी होती है और बेसन में प्रोटीन इनटेक भी होता है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है ये ब्रेकफास्ट के लिए, आप चाहे तो इसे लंच और डिनर में भी प्रेफर कर सकते हैं। तो बस और ये फटाफट बन भी जाते हैं। तो बस दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच दही भी डाली है, दही से बहुत ही सॉफ्ट बनता है और एक टेस्ट में भी इन्हांसमेंट होता है। तो बस पानी को एडजस्ट करूँगी और एक थिक सा, ज़्यादा थिन बैटर नहीं बनाना है, थिक सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करूंगी एज़ पर टेस्ट। उसके बाद रेड चिली पाउडर इसमें मैं ऐड करूंगी, उसको और भी हेल्दी बनाने के लिए 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। तो आपके पास अगर रोस्टेड है तो वो डाल सकते हैं, अनरोस्टेड है तो वो भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें चीला को सेकना है। तो इस तरीके से हम और भी हेल्दी अपने मील्स को बना सकते हैं। और उसके बाद जितने भी वेजिटेबल्स मेरे पास थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था, 1 by 1 करके हम सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारे वेजिटेबल्स को ओट्स और बेसन के मिक्सचर में हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी कोटिंग्स वगैरह हो जाए अच्छे से सब्जियों में। और अगर आपको थिक लगे बैटर तो हल्का सा वाटर एडजस्टमेंट और कर लीजिएगा कि हमें चीला फैलाने में इजी हो और ज़्यादा रनी ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो बन के तैयार हो गया। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 मिनट रेस्ट करने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो चीला है, मैं 1 चीला ही खाऊँगी, तो अच्छे मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ का बनाऊँगी और इसको मैं यूज़ करूँगी घी का बनाने में।
तो यहाँ पे मैंने दो लैडल डाल दिया है और अच्छे से इसको स्प्रेड करके तवे में, और अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो या कास्ट आयरन तवा हो तो वही यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर बनने में अच्छे से नहीं निकलते तो सब टूट जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप नॉन स्टिक या कास्ट आयरन तवा ही यूज़ करें। तो इसको अच्छे से हम फैला देंगे। यहाँ पे मैंने ढक के नहीं दिखाया लेकिन मैंने इसको ढका था। ढकने से क्या होता है, ये जब स्टीम में पकते, भाप में पकते तो अच्छे से अंदर तक पकते हैं, क्योंकि ये जो था थोड़ा थिक था। अच्छा, मैंने इसमें और क्या ऐड किया वो भी बता देती हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ी सी तिल ऐड किए हैं, सेसमे सीड्स ऐड किए हैं। सेसमे सीड्स इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो आप इसे अपने डे टू डे मील में ऐड कर सकते हैं। और बस दोनों साइड अच्छे से पलट पलट के हम उसको अच्छे से पका लेंगे। कम से कम 10 मिनट्स लगता है इतने बड़े साइज़ का थोड़ा थिक चीला। तो बस ये एक चीला मैंने अपने लिए बनाया, अपने हस्बैंड के लिए बनाया और हम लोग ने बैठ के ये चीला इन्जॉय किया है। अच्छा, इसकी चटनी की जो रेसिपी है वो मैं आगे शेयर करती हूँ, वो मैं मिस कर गई। तो ये चटनी जो है वो भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं, 2-3 दिन आराम से चलती है। तो यहाँ पे जो हमारा फटाफट से बनने वाला टेस्टी, डिलीशियस और वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो गया है। तो हम लोग ने बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद घर के जो हाउस और चोर्स है, वीडियो एडिटिंग है, कुछ मेरा ईमेल्स वर्क रहता है, जो भी हमारे काम रहते हैं जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो वो मैं करती हूँ। देन उसके बाद अपना लंच प्रिपरेशन करती हूँ। चलिए फटाफट चटनी की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे धनिया, पुदीना 1 चम्मच, कर्ड, लहसुन, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली और सॉल्ट, बस इतना डाल के मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और हमारी चटपटी सी चटनी तैयार हो जाएगी। इसे आप स्टोर करके 2-3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। अब आती है बारी मिड मॉर्निंग स्नैक में। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं खा रही हूँ ये ड्राई फिक है, खुबानी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर मैंने 1.5 खुबानी ली है। और ये बहुत ही मतलब जूसी होता है अंदर से, और आपकी जो स्वीट क्रेविंग है ना इससे आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप डेट्स खाते हैं तो आपको खुबानी भी पसंद आएगा। चलिए अब हम लंच की तरफ बढ़ते हैं। तो लंच में मैं आज बना रही थी चने की सब्ज़ी। तो ये क्लिप है वो मॉर्निंग की है, मॉर्निंग में मैंने टिफ़िन में चने की सब्ज़ी बनाई थी और इसी को हमारा लंच भी हो गया था। तो लंच में बस मैंने 2 गरम चपाती सेकी और ये चने की सब्ज़ी और थोड़ी सी अनियंस ले लिया, क्योंकि इसके साथ अनियन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो बस ये हमारा सिंपल सा लंच था जिसको मैंने किया था 2 बजे के आसपास। और अब हम आगे बढ़ते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ। तो इवनिंग स्नैक में ये घर के बने हुए मुरमुरे हैं, बिल्कुल जिनको 1 चम्मच तेल में बनाया, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। और साथ में मैंने ये गुड़ वाली चाय ले ली है जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और डिनर में मैंने लिया था कढ़ी चावल, कुछ लाइट सा खाने का मन था तो कढ़ी हमारे यहाँ की बहुत ही फेवरेट है और वन गो फेवरेट, मतलब बन भी जाती है जल्दी। तो बस राइस गरम गरम बनाए, कढ़ी है और रोस्टेड पापड़ है। तो ये हमारा हो जाएगा डिनर, बिल्कुल सिंपल से मील्स आज हमने रखे हैं। और सोने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल हम लोग इस तरीके का वाटर बना के पीते हैं, ये टर्मरिक टी वाटर है, तो इसको मैंने बनाया और सोने से पहले मैंने ये ग्लास पिया और उसके बाद टाइम पे हम लोग सो जाते हैं। तो ये ओवरऑल मील है जो मैं पूरे दिन लेती हूँ और इससे मेरा वेट मेंटेन भी रहता है और इसी तरीके से मैंने अपना वेट लॉस भी किया है। घर का सिंपल खाना आपका पेट भी भरता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और आपका वेट बढ़ने भी नहीं देता है। तो ओवरऑल ये था आज का व्हाट आई ईट इन अ डे और क्या मैंने खाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो और क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो जाइए, इंडियन मॉम अनु। और चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।